नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्यूरिनी आयुर्वेदा पे। आज की अपनी इस खास वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसको इंडिया में लगभग 85% लोग खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, हम बात करने वाले हैं चावल के कुछ बड़े नुकसान के बारे में। बता दें, जब तक चावल नहीं खाया तब तक मानो खाना पूरा नहीं हुआ, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अक्सर आपने लोगों के मुँह से ये सुना होगा, कई बार आपने खुद भी ये बात कही होगी। लेकिन चावल खाना क्या वाकई ज़रूरी है? क्या आपकी डाइट चावल के बिना अधूरी रह जाती है? यानी कि अगर आप चावल ना खाएं तो ऐसा लगता है कि आपने कुछ खाया ही ना हो। चावल हो या रोटी, दोनों ही भोजन का ज़रूरी अंग है, लेकिन दोनों को सही समय पे और सही अनुसार खाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर ज़्यादा कर ली जाए तो वो नुकसान देती हैं, और बहुत ही कम करें तो वो और भी ज़्यादा नुकसान देती है। बता दें, सफ़ेद चावल खाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वाइट राइस में काफ़ी मात्रा में कफ होता है, ये बच्चों और बड़े दोनों के लिए हानिकारक होता है। अस्थमा के मरीजों को भी चावल ना खाने की सलाह दी जाती है। सर्दियों के मौसम में चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, आपको सर्दी लग सकती है, बदहजमी हो सकती है। ख़ास तौर पर आपको रात में इन्हें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। चावल के कुछ बड़े नुकसान के बारे में बात करें तो इससे वज़न बढ़ता है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए नुकसानदायक है, प्रोटीन की कमी होती है, बीपी के मरीज तो बिल्कुल ही ना खाएं चावल को, कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, एलर्जी है तो बिल्कुल ना खाएं। साथ ही साथ बात करते हैं अब इन सब बीमारियों के बारे में खुलकर कि आप क्यों ना खाएं। कहा जाता है कि चावल खाने बहुत ही हल्के होते हैं, हम कब इनका स्वाद लेते लेते इन्हें बहुत अधिक मात्रा में खा लेते हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं लगता। इन्हें खाने से बॉडी का वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। चावल की डाइट उन्हें ही खानी चाहिए जो शारीरिक रूप से खूब मेहनत करते हों। वो लोग जो दिन भर ऑफिस में बैठकर आराम फरमाते हैं, चावल उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। चावलों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें मौजूदा शुगर इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, ये रक्त में शुगर की मात्रा को अनियंत्रित कर देता है। चावल खाना मधुमेह यानी कि शुगर के मरीजों के लिए जहर के समान होता है, इन्हें खाने से आपके सेहत को और भी ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। ऐसी महिलाएँ जिन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, उन्हें वाइट राइस तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। सिर्फ चावल खाने वाले व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है, इसमें प्रोटीन नाम मात्र का पाया जाता है। सिर्फ चावल खाने वाले व्यक्ति को इससे बचने के लिए चावल के साथ दूसरे तरीके चीज़ें भी खाने चाहिए, जिससे कि प्रोटीन की मात्रा संतुलित रहे। ज़्यादा चावल खाना आपकी मांसपेशियों के लिए हेल्दी नहीं माना जाता, इसे अधिक मात्रा में खाने से बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है या वाटर रिटेंशन के कारण कमी भी आ सकती है। डायबिटीज़ के अलावा लोग जो बीपी के मरीज हैं उन्हें डॉक्टर भी चावल ना खाने की सलाह देते हैं, इसमें स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में होता है, स्टार्च की मात्रा शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है। स्टार्च का बहुत ही अधिक सेवन मानव शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, इससे कई प्रकार की बीमारी भी हो सकती है। यदि आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम अक्सर रहती है तो आपको चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सफ़ेद चावलों में फाइबर बहुत कम पाया जाता है मात्रा में, इसलिए इन्हें पचाने में समय अधिक लगता है। साथ ही साथ सर्दियों में चावल बिल्कुल नहीं पचता है, आपकी कब्ज़ की समस्या ऐसे में और अधिक बढ़ सकती है। फाइबर युक्त आहार की मानव शरीर के लिए उपयुक्त माने गए हैं। यदि आपको एलर्जी की समस्या है तो आपको चावल नहीं खाना चाहिए, खास तौर पर सफ़ेद चावलों से परहेज करना चाहिए। आपको बहुत मन करे तो ब्राउन राइस खा ले, यह अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एलर्जी की प्रॉब्लम को चावल और बढ़ा सकता है, खास तौर पर जिन्हें एलर्जी के तौर पर खारिश की समस्या होती है उन्हें चावल नहीं खाना चाहिए। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।